एनिमल किंगडम में अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी होता है, क्योंकि कई बार यहाँ एक छोटा जानवर भी बड़े जानवर को अपना शिकार बना डालता है। अब आप जिस छोटे से जानवर को देख रहे हैं उसका नाम मार्टिन है, जो वैसे तो काफी सीधा साधा और मासूम सा दिखाई देता है, लेकिन आप इसकी भोली सूरत और क्यूटनेस पर जाने की गलती भूलकर भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये छुटकू सा मार्टिन अपने पर उतरता है तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। हालांकि यूं तो ये काफी दुर्लभ प्रजाति है, लेकिन इस छोटे से जानवर के शिकार करने के तरीके को देखकर आपकी भी धड़कन तेज हो जाएगी। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको मार्टिन के कुछ ऐसे हैरत अंगेज अटैक्स को दिखाते हैं जिसे आज से पहले आपने शायद ही कभी देखा हो। मार्टिन वर्सेस हेयर। वीडियो की शुरुआत करते हैं खरगोश के साथ, जो बस कुछ भी खाकर हमेशा मस्त रहते हैं। लेकिन आज इस खरगोश पर तो मानो आफत आ चुकी है, क्योंकि शायद इस खरगोश को चोट लगी है जिसकी वजह से ये पत्थर पर चुपचाप बैठकर आराम कर रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर इस मार्टिन की नजर खरगोश पर पड़ चुकी है, जो खरगोश के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। हालांकि जब तक खरगोश को इस बात का एहसास होता है तब तक मार्टिन उसके बहुत करीब तक आ चुका होता है। मौत के रूप में मार्टिन को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर खरगोश काफी तेजी से भागता है, लेकिन खुद को मार्टिन के कहर से बचा नहीं पाता और फिर मार्टिन इस खरगोश को अपना लजीज नाश्ता बनाने में सफल हो जाता है। मार्टिन वर्सेस स्क्विरल। अब आप जिस गिलहरी को देख रहे हैं उसे इस मार्टिन ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है, लेकिन अब जब इस मार्टिन को जोरदार भूख लगी है और शिकार इसके सामने है तो जाहिर सी बात है कि मार्टिन इस गिलहरी को अपना निवाला बनाने से परहेज नहीं करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अपने हाथ आए शिकार के ऊपर मार्टिन पूरी तरह से टूट पड़ता है और फिर उसे अपना निवाला बनाने में मशगूल हो जाता है। अब जरा इस दूसरे मामले को भी देखिए, जिसमें दिख रहा मार्टिन इस गिलहरी को दबोचने के लिए पीछे पड़ जाता है, लेकिन गिलहरी भी इतनी आसानी से कहां हाथ आने वाली थी, और फिर दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल चालू हो जाता है। हालांकि काफी देर तक चली इस भागा भागी का अंजाम क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मानना पड़ेगा मार्टिन के इस जज्बे को, जो अपने शिकार को दबोचने के लिए जी जान से उसके पीछे पड़ जाता है। मार्टिन की दरिंदगी का एक और ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब ये मदर गिलहरी पेड़ पर आराम कर रही होती है। ठीक तभी ये मार्टिन गिलहरी के घोंसले पर हमला कर देता है और गिलहरी के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि पहली बार में तो वह असफल रहता है, लेकिन मार्टिन हार नहीं मानता और फिर दूसरे अटैक में वह गिलहरी के बच्चे को पकड़ लेता है, जिसके बाद मार्टिन वहां से कुछ इस तरह से चलते बनता है जैसे मानो उसके आज के खाने का इंतजाम हो गया हो। मार्टिन स्ट्रीट ऑफ डेड एनिमल्स। मार्टिन दिखने में जितना छोटा और क्यूट होता है उससे भी कहीं बढ़कर ये एक खतरनाक शिकारी भी होता है, जो ना तो शिकार करने से पीछे हटता है और ना ही किसी और के द्वारा किए गए शिकार को हथियाने से। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें दिख रहे ये मार्टिन्स कितने मजे से पार्टी का मजा ले रहे हैं, जबकि ये भोजन इन मार्टिन्स का नहीं बल्कि इस जंगली बिल्ली का था। लेकिन मार्टिन का खौफ इतना है कि बिल्ली ने दूर से ही हाथ जोड़ लिया और अपने मेहनत से तैयार किया गया खाना मार्टिन्स के हवाले करके निकलती बनी। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी देख लीजिए, जहाँ एक मरे हुए हिरण पर इस मार्टिन की जोरदार पार्टी चल रही है। मार्टिन वर्सेस गोशॉक। अब जरा इस वीडियो को ही देखिए, जिसमें दिख रहा ये मार्टिन इस पेड़ पर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर तो ऐसा ही लगता है शायद झूला झूलकर ये अपने लिए भोजन के जुगाड़ में लगा है। लेकिन जैसे ही ये मार्टिन थोड़ी देर के लिए वहां से हटता है, ठीक तभी एक गोशॉक उसके भोजन को हथियाने के लिए आ टपकता है। लेकिन तब तक मार्टिन को गोशॉक के इस इरादे की भनक लग जाती है, जिसके बाद मार्टिन उसके ऊपर एक जोरदार छलांग लगा देता है। हालांकि गोशॉक की किस्मत शायद अच्छी थी, जिसके वजह से वह मार्टिन के जोरदार हमले से बाल बाल बच जाता है, जिसके बाद मार्टिन बड़े ही मजे से झूम झूम कर अपना खाना खाने में व्यस्त हो जाता है। मार्टिन वर्सेस रिवर्सेस मंचाक। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप इस जानवर के नाम को सुनकर सोच में पड़ जाए, उससे पहले ही आपको बता दे कि दरअसल रिवर्सेस मंचाक हिरण की ही एक प्रजाति होती है, जो दूसरी हिरणों की तुलना में काफी छोटी और अलग सी दिखाई पड़ती है। यहाँ एक रिवर्सेस मंचाक के पीछे तीन मार्टिन्स पड़ जाते हैं, जो इस मासूम से जीव को अपना निवाला बनाने पर उतारू होते हैं। हालांकि अपनी लाजवाब रनिंग एबिलिटी के दम पर रिवर्सेस मंचाक मार्टिन्स को दूर तक दौड़ाते हैं, जिसके वजह से दो मार्टिन्स तो साइड हो जाते हैं, लेकिन एक मार्टिन हार नहीं मानता
और पूरी फुर्ती के साथ मंजा के ऊपर छलांग लगा देता है और फिर उसे दबोचकर तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उनकी जान नहीं निकल जाती है। अब जरा इस दूसरे क्लिप को देखिए, जिसमें दिख रहा ये मार्टिन इस हिरण के पीठ पर झूला नहीं झूल रहा बल्कि उसे दबोचने की कोशिश में लगा है। लेकिन खुशकिस्मत है ये हिरण कि यहाँ ये शख्स खड़ा हुआ है, जिसे देखकर मार्टिन हिरण को अपना शिकार बनाने का इरादा छोड़कर अपने कदम वापस खींच लेता है, वरना आज तो इस हिरण का राम नाम सत्य होना बिल्कुल तय ही था। मार्टिन वर्सेस बेबी एल्क। मार्टिन कितना क्रूर शिकारी होता है इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब ये मार्टिन इस बेबी एल्क को अपना निशाना बना डालता है। दरअसल यहाँ मार्टिन इस बेबी एल्क को अपना भोजन बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है और मौका लगते ही उसे दबोच भी लेता है। हालांकि अभी ये मार्टिन इस नन्ही सी जान को अपना निवाला बनाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि ठीक तभी वहां इस बच्चे की माँ पहुंचती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये खतरनाक शिकारी बेबी एल्क को लेकर वहां से कुछ इस तरह से भाग निकलता है जैसे मानो इस दुनिया में उससे बड़ा कोई दूसरा शिकारी है ही नहीं। मार्टिन वर्सेस बर्ड। मार्टिन सिर्फ जमीन पर रहने वाले जानवरों का ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना डालता है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल ये चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाने और उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद जैसे ही थोड़ी देर के लिए दूर जाती है, ठीक तभी मौके की ताक में बैठा ये मार्टिन वहां आ धमकता है और फिर एक एक करके सारे बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से अपना निवाला बना डालता है। दिल को दहला देने वाला एक ऐसा ही दूसरा मामला देखने को मिला जब एक बक्सानुमा किसी चीज में ये चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम कर रही होती है। लेकिन तभी एक आहट को सुनकर ये चिड़िया जैसे ही बक्से के बाहर निकलती है, ठीक तभी एक खूंखार शिकारी वहां आ पहुंचता है और फिर सबसे पहले तो इन छोटे छोटे बच्चों के गर्दन को अपने जबड़े में दबोच कर उन्हें अधमरा कर देता है और फिर एक एक करके इनमें से कुछ बच्चों को बाहर खींच ले जाता है ताकि उन्हें अपना लजीज नाश्ता बना सके, जबकि कुछ बच्चों को वही तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ देता है। मार्टिन वर्सेस मंकी। इस वीडियो में चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि मार्टिन का सामना जब किसी बंदर से होता है तो ये मंजर आखिर कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस नन्हे लेकिन खतरनाक जानवर ने तो बंदरों को भी नहीं छोड़ा है। अब जरा इस क्लिप को ही देखिए जिसमें बंदर और मार्टिन के बीच उछल कूद वाली लड़ाई चल रही है। हालांकि वैसे तो बंदर मार्टिन से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन मार्टिन की फुर्ती कहीं ना कहीं बंदर के ऊपर भारी पड़ जाती है, जिसके बाद मार्टिन का एक वार और बंदर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अभी बंदर इस वार से उबर पाता उससे पहले ही मार्टिन का एक दूसरा दोस्त भी मैदान में उतर जाता है। बस फिर क्या था, दोनों उसे लेकर झाड़ियों में चलते बनते हैं। अब ये मार्टिन उस बंदर का क्या करेंगे इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। मार्टिन वर्सेस कैट। अब जरा इस बिल्ली मौसी से भी मिल लीजिए, जिसके पीछे ये मार्टिन तो जैसे बिल्कुल हाथ धोकर ही पड़ जाता है और इसे अपना शिकार बनाने के लिए खदेड़ना शुरू कर देता है। तो वही दूसरी तरफ मार्टिन का एक दोस्त भी इस मैदान में पूरी मुस्तैदी के साथ डटा होता है। हालांकि थोड़ी देर की भागा दौड़ी के बाद ही पहले मार्टिन इस बिल्ली मौसी को पूरी तरह से दबोच लेता है और उसे कुछ इस तरह से घसीटना शुरू कर देता है कि बिल्ली मौसी का तो एक झटके में ही काम तमाम हो जाता है, जिसके बाद दोनों दोस्त मिलकर बड़े ही मजे से इस बिल्ली का टेस्ट लेने में लग जाते हैं। मार्टिन वर्सेस ह्यूमन। वीडियो के अंत में चलिए अब हम आपको मार्टिन के एक ऐसे रूप से रूबरू कराते हैं जिसे देखकर आप पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि ये जीव सिर्फ दूसरे जानवरों और पक्षियों पर ही नहीं बल्कि इंसानों के ऊपर अटैक करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये मार्टिन एक फुटबॉल मैच के दौरान अचानक से मैदान में घुस जाता है, जिसके बाद वो मैदान में तेजी से इधर उधर भागने लगता है। इस दौरान मैदान में मौजूद प्लेयर्स उसे पकड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन वह किसी के हाथ में नहीं आता। हालांकि कुछ देर बाद एक खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से उस मार्टिन को पकड़ तो लेता है लेकिन उसके बदले में ये शातिर मार्टिन उस खिलाड़ी के उंगली पर लव बाइट देने से जरा भी परहेज नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।